Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we are inside the cave of Ashab al-Kahf. Shalana, aundi ja rahe hai yaar. Ji, assalamu alaikum. Dosto, kya haal hai? Theek ho? Raat guzari hai Petra mein. To अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रात गुजरी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। सुबह 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। इस टाइम मैंने जैकेट के नीचे अब लेयर्स पहन ली हैं, पैंट में भी फर्स्ट टाइम लेयर पहनी है पूरी ट्रिप में। पैंट के नीचे भी जो लेयर है वो भी पहन ली है मैंने, ठीक है। तो ठंड शदीद है इधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह रात अच्छी गुजरी यहाँ पर। तो आज का प्लान है यहाँ से निकलने का इंशाल्लाह टूवर्ड्स अम्मान सिटी, कैपिटल ऑफ जॉर्डन। इंशाल्लाह वहाँ चलते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे भी क्या ऐसी ही ठंड है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाह खैर रख। वैसे एक चीज़ है, पहाड़ों के अंदर इस तरह घर हो ये बहुत पसंद है मुझे। और खूबसूरती एंड है नो डाउट। अच्छा जी, ये मैं बाइक चला रहा हूँ ना, मैंने पूरा अपने आप को कवर किए हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उंगलियों पे हल्की हल्की होती है, लेकिन ग्लव्स भी इतने थिक ग्लव्स है फिर भी, लेकिन इट्स फाइन। जो ये जो नेक का एरिया ना, नेक का एरिया, यहाँ पे जो हवा लग रही है ना वो शदीद चुभ रही है मुझे। मैंने अच्छा खासा अमेजोन से ऑर्डर करके एक बार वो नेक का पूरा मंगवाया था, सर से लेकर से इधर इधर तक ना छुप जाता है पूरा बंदा, सिर्फ फेस आपका खुला रहता है, ठीक है। आंखें और मुंह वाली जगह आपकी रहेंगी, ये पूरा खुला रहता है, बाकी क्या नाम है आपका पूरा गला तक छुप जाता है। वो मैंने रिटर्न कर दिया, मैं कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या पता था कि भाई इधर इतनी इमरजेंसी में इधर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं देखता हूँ कोई मुझे मिल जाए, क्योंकि ये नेक वाली जगह पर इतनी शदीद ठंड लग रही है ना, ऐसे ऐसे करके मैं बाइक चला रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इस जगह पर शदीद ठंड लग रही है। ये बस मुझे कवर करना है, बाकी टोटली ओके। सारा चला जाए और क्या नाम है, दो पर आ जाए टेम्परेचर, ठीक है। सुबह में क्या नाम है 4 टेम्परेचर था, अभी तो फिर भी 8-9 टेम्परेचर हो गया, 8-9 हो गया तो कितना, 8 हो गया। फिर सारा चला जाए, 1-2 पे चला जाए मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नेक है ना, ये गर्दन का एरिया, ये मुझे क्या नाम है बहुत ज़्यादा इस टाइम ना तकलीफ़ दे रहा है, ठंड वाली तकलीफ, बस और कुछ नहीं है। बाकी अब जा रहे हैं अम्मान सिटी की तरफ, कुछ है 230 किलोमीटर हैं कुछ, ये 230 किलोमीटर हैं कुछ, और 9 टेम्परेचर इधर शो कर रहा है बाइक पे, तो इतने ज़्यादा नहीं है किलोमीटर, पहुँच जाऊँगा। और मुझे यकीन है कि जो मेरे पास पेट्रोल है अभी भी हाफ टैंक है, ये हाफ टैंक मुझे पहुँचा देगा, क्योंकि मैं ज़्यादा जॉर्डन में जगह जगह पर जाने का मूड में नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहता था, मैं बाइक के ऊपर एक्सपीरियंस करना चाहता था, और मैंने जो प्लान किया था मैं उसके प्लान को अपने को अचीव करना चाहता था, कि भाई मैं इधर तक इस कंट्री में जाना तो मैंने जाना ही जाना है। जॉर्डन का मैंने उसमें प्लान लिस्ट में लिखा हुआ था, तो मैंने वो पूरा ही करना था हर सूरत में, तो वो मैंने पूरा किया है। अम्मान सिटी चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हम कहाँ जाते हैं इंशाल्लाह। तो अम्मान अभी है कुछ 200 समथिंग किलोमीटर रह गया, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चेक पोस्ट आगे लगी हुई है, पता नहीं किस साइड के लिए, नो आइडिया। स्लो करके चल रहा हूँ, अच्छा अच्छा खुदा का नहीं खोता ना देखनी कि थले मेरे। पेट्रोल का खाना खराब हो गया, मजीद जाने को तैयार नहीं है अब। यहाँ पे खड़ा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाए खड़ा हो जाए, तो यहाँ पे यार झटके
ना इन्ने झटके मारे, ठहर जा मैं कर लेना तेरा बंदोबस्त। पेट्रोल का हो गया खाना खराब, हूँ इतने खिलारने इतें पाने यह जगह सही है, छाऊ नहीं चाहती लेकिन चलो ठंड ही यार। वैसे जॉर्डन एक गल है ग्रीन है, चलना एक तो ठंड नहीं है कि हाथ ठर जाते ने, ते तो टैड भी मैं बथेरा किया हो गया कितना टैड। जाए लोग कामयाब है क्योंकि मोर देन 24 आवर्स में रखे हैं, लीकेज जीरो, परफेक्ट चीज है। पेट्रोल तो हो गई, टैंकी फुल है, एक ऐ आ रहे ऐ बाहर आ रहे हैं। हो गई टैंकी फुल जबरदस्त। कल बॉर्डर वाला कहता लेके नहीं तू जा सकता, मैं किस तरह नहीं मैं लेके जा सकता, मैं कुछ स्मगल कर रहा हूँ पेट्रोल, मैं ये है कितना पेट्रोल जो मैं कहना मैं नहीं लेके जा सकता भाई, जिसकी मुझे इजाज़त नहीं है। मैं टोटल 18 लीटर पेट्रोल है, 18-20 लीटर टोटल पेट्रोल है इसमें डलता है, देखिए 19 लीटर डलता है इसमें, मैं किस तरह नहीं मैं लेके जा सकता भाई, किस कानून की तहत तो मुझे रोक सकता है। नहीं जी नहीं लेके जाता, मैं क्यों लेके जाऊंगा, मैं हो ही नहीं सकता कि ना लेके जाऊं। लेकर आया फिर पेट्रोल जेड़ा ना बिल्कुल अमान सिटी कह लो बॉर्डर के ऊपर आके ख़त्म हुआ है, यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर रह गया अमान सिटी, और जनाब अमान सिटी क्या 27 किलोमीटर पर मेरा होटल है जिधर मैंने जाना है, और आके पेट्रोल ख़त्म हो गया। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, वादे घाटे नाल ही ने। अब जनाब जा रहे हैं होटल की तरफ। वैसे एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत एक्यूरेट बताता है यार ये, जो एवरेज बताएगा उसी पे जाएगा, उससे ऊपर नहीं फिर जाएगा, उसके ऊपर फिर मिसिंग करने लग पड़ेगा। जो एवरेज मैंने निकाली थी कि 8:35 पे होगा, पूरे 8:35 पे जाके इसने मिसिंग शुरू कर दी। उसके बाद क्या ना मैं गाड़ी को खींचना, मतलब ये कि पंप को जोर देने वाली बात है, पंप ख़राब हो जाएगा इस तरह, तो इसलिए बेहतर है कि मैं कभी रोड डाले, वैसे भी पड़ा हुआ था। अभी यह गाड़ी हल्की हो गई है, ऐ लेफ्ट राइट जा रहे हो ना, ऐ मज़ा आ रहा है चलाने का, बड़ी हल्की हो गई गाड़ी। एक चीज़ मैंने देखी है कि बाइक पे आप ट्रैवल कर रहे हो ना, लोग बड़ी इज्जत देते हैं आपको, बहुत बहुत एहतराम करते हैं, अभी ये गुजारा इसने हाथ निकाल के थम्स अप किया है, जिधर भी जाता हूँ हर कोई इज्जत करता है। फिर जब वो देखते हैं कि इतनी दूर से बाइक चला के बंदा लेकर आया, स्पेशल हमारी कंट्री में आया है, वो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं लोग। यार किस तरह खूबसूरत लग रहे हैं ये दरख्त, पहाड़ के ऊपर वो ऊपर घर है, और कैसे रख रखे हैं।
होटल में सामान रख दिया सारा, होटल आ गया हूँ मैं, सामान रख दिया यार। कौन सी जगह पे, मुझे इतनी क्राउडेड जगहों में नहीं पसंद, बहुत क्राउडेड जगह यार ये तो दुबई का ना वो सबका में आ गया हूँ या देरा में आ गया हूँ, बहुत क्राउडेड जगह यार ये, इधर नहीं था आना चाहिए मुझे। चलो अब आ गए हैं तो चलो, हम फसी नू करना पैना की कर सकने हैं, समझू बाहर है। मार ले तू हूटर, मार ले तू हूटर, मार ले क्या जबरदस्त इधर से लग रही है बिल्डिंग है सारी। आउंदी जा रहे हैं यार, सेवन स्लीपर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 18 मिनट शो कर रहे, 9 किलोमीटर है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक है यहाँ पे, अब पहुँच जाओ वहाँ पे टाइम के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम एक और भी है ना कि 5 बजे बंद हो जाना वो, और यहाँ पे 4:30 हो गया ऑलरेडी, ऑलरेडी 4:30 हो गया, टाइम शॉर्ट है। अच्छा एम्प्टी होती है ना जब कोई ऊपर चीज़ नहीं रखी होती, खाली मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूँ, फिर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है मेरे में। फिर मैं चला रहा हूँ तो फिर भगाता हूँ मैं, ये छोटी छोटी कर्व से भी मैं गुजर जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। अदरवाइज़ जब सामान लोडेड होता है वल्ला इतना डर लगता है ना, रमल की तरफ जाने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता, बिल्कुल भी सोचने का भी दिल नहीं करता कि रमल वाली साइड पर मैं जाऊँगा, क्योंकि उस साइड पर तो बुरा हाल हो जाता है भाई, जरा सी गाड़ी गिर गई तो समझो फिर ऐले लग गए। ये बेचारे का नाम चुन रहे हैं, ये चुनने वाले हैं गरीब गुरबा, इधर ज्यादातर फलस्तीनी है बेचारे, अमूमन फलस्तीनी, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है, फलस्तीनी फलस्तीनी बच्चा ये। ये है जनाब असहाबे काफ, लेफ्ट पे घर है। ये है जनाब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, ये
अरबिक में है, अरबिक की मुझे समझ नहीं है, आई हैव नो आइडिया इन अरबिक। केव ऑफ द सेवन स्लीपर्स। Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now we are inside the cave of Ashab al-Kahf, which mentioned in the Surah al-Kahf. As we know the story, these guys, they were believers and they hide here because in that time, the king worshipped the idols, the stones. Anyone don't follow him, he will die. So these guys run away and hide here. Then Allah Azza wa Jal make a miracle and put them in deep sleep along 309 years. When they woke up, they thought that they only slept one day or some hours. How many they were? The correct story, wallahu alam, there were seven guys and one dog. When they woke up, one of them went to the city. The city, it was Amman downtown. When he gave the market the money, it was expired. So he know the story about the currency. He came back to the cave. Then they immediately passed away here. After that, the people who found them carved these graves and buried them in the same cave. This is the first cover, second one, third one, and the fourth at the back. Here, four graves. And the other side, there is a three, total seven. It's empty right now. Jordanian government gathered all the remains and put it in this one. The star here, it's have 8 points, not Star of David. Star of David, 6 points, but here it's eight. Eight, it means seven guys and one dog. Seven guys, they used to sleep here. The dog, it was outside. When they hide here, this cave, it was a natural cave. After they passed away, the Byzantine carved it. Last renovation, the white blaster, white cementy, 900 years ago. Sunrise come through this tunnel, sunset come through the door. You're welcome. अच्छा जी, ये जो अभी आदमी था जिसको मैं वीडियो में लेकर रहा हूँ, ये जनरेशन बाय जनरेशन चल रहे हैं. ये बकौल इसके कहते हैं हम जनरेशन बाय जनरेशन चल रहे हैं, जो हम इसकी हिफाजत करते हैं, कह लो हिफाजत में मामूर है कह लो. और उसके बाद कोई भी विजिटर आता है, उसको हम अगर हिस्ट्री के बारे में पूछना है, कुछ भी उसने पूछना है, हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं. ये है जी अपना रूम. रूम में हम आ गए हैं. छोटा सा रूम लिया है, काफ़ी सस्ता है और ठीक है रूम. सर ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह पर है. ये जो जगह है, ये मेन हब है, इधर सारी शॉप्स हैं. इसकी वजह से पार्किंग का बड़ा मसला. पार्किंग मुझे कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाके उधर पार्किंग लगानी पड़ती है. पेड पार्किंग है वो भी 4 JD, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 20 dirhams, ठीक है. एंड इन डॉलर्स मे बी $4-4.5 ठीक है, फॉर ओवरनाइट के लिए. तो ठीक है, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं.
और ये जनाब हमारा रूम है, छोटा सा रूम है बिल्कुल। ये हमने खिलौना डाला हुआ इधर, वो शूज़ हैं, हेलमेट, ये एक अपना बेड है, ये उन्होंने दिया हुआ है सामान रखने के लिए जो मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और ये है जनाब अपना वाशरूम, छोटा सा वाशरूम है, चल लाइट आना जा, छोटा सा वाशरूम है। यू कैन फाइन, साफ है बिल्कुल, नीट एंड क्लीन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसी, एसी भी वो हीट वाला, हीट दे गई लाजम, चेक किया मैंने ऑलरेडी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन रहा, अब होती है कल मुलाकात, कल होती है बात इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।